नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। 1 फरवरी को देश की संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करते हुए कुछ ऐसा ऐलान किया जो भारत के पड़ोसी मालदीव के लिए परेशानी बढ़ा सकता है। भारत की वित्त मंत्री का कहना है कि अब देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए कदम उठाए जाएंगे, जिन इलाकों में ये विकास किया जाएगा या ये नए कदम उठाए जाएंगे उनमें लक्षद्वीप भी शामिल है। टू एड्रेस द इमर्जिंग फर्वर फॉर डोमेस्टिक टूरिज्म, ऑनरेबल स्पीकर सर, प्रोजेक्ट्स फॉर पोर्ट कनेक्टिविटी, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमिनिटीज विल बी टेकन अप ऑन आवर आइलैंड्स इंक्लूडिंग लक्षद्वीप। निर्मला सीतारमण के इस बयान में लक्षद्वीप का जिक्र होना भारत और मालदीव के रिश्तों में आई कड़वाहट के साइड इफेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से मालदीव भारत को लगातार आंखें दिखा रहा है, एक के बाद एक भारत विरोधी फैसले कर रहा है। दोनों देशों के रिश्तों में आई तल्खी के बीच ही भारत के PM नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे, लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। वहाँ उस दौरे ने मालदीव को काफ़ी परेशान कर दिया था और सोशल मीडिया पर इस तरह की बहस चल पड़ी थी कि भारत का लक्षद्वीप एक टूरिज़्म का बड़ा डेस्टिनेशन है और टूरिज़्म सेंटर के तौर पर मालदीव को टक्कर दे सकता है बीच टूरिज़्म के सेंटर के तौर पर। टूरिज़्म में अगर बात करें तो मालदीव की जो इकोनॉमी है उसकी रीढ़ टूरिज़्म ही है, और इस मसले पर सोशल मीडिया की बहस इतनी आगे बढ़ गई कि इसमें मालदीव की मोहम्मद मोइजू सरकार के कुछ मंत्री भी कूद पड़े। इन मंत्रियों ने भारत के PM नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ अशोभनीय टिप्पणियां भी की, जिसके नतीजे के तौर पर उन्हें अपनी कुर्सी से हाथ भी धोना पड़ा। बहरहाल, भारत और मालदीव के रिश्तों में आई इस तल्खी की वजह या असली वजह सिर्फ लक्षद्वीप नहीं है, बल्कि असली वजह है पिछले साल सत्ता में आई मोहम्मद मोइजू की सरकार, जो चीन के साथ दोस्ती को लेकर इतनी ज़्यादा संजीदा है कि उसने भारत के साथ दशकों पुराने ताल्लुक को खतरे में डाल दिया है। यही नहीं, मालदीव ने अपने समुद्री तट पर चीन के जासूसी जहाजों को लंगर डालने की इजाज़त भी दे दी है। हिंद महासागर में खुद को मजबूत बनाने की कोशिश में जुटा हुआ चीन इससे पहले श्रीलंका के पोर्ट्स पर अपने जहाज़ों को ठहराता था, वहाँ उनमें ऑयल भरवाना हो या बाकी एक डेस्टिनेशन रुकने का जो होता है वो उस फैसिलिटीज़ का उपयोग करता था। लेकिन भारत के दबाव के बाद श्रीलंका ने तो चीन के जहाज़ों के लंगर डालने पर रोक लगा दी, और अब मोहम्मद मोइजू की सरकार ने अपने विदेश मालदीव में चीन को इजाज़त दे दी, यानी चीन ने वो मकसद हासिल कर लिया जो भारत के लिए बेहद ख़तरनाक है। मोइजू को पता है कि उनके पोर्ट्स पर चीनी जहाज जासूसी के लिए आएंगे और वो भारत के लिए कितनी बड़ी परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद उनकी सरकार यानी मोहम्मद मोइजू की सरकार भारत के जले पर नमक छिड़कने के लिए सफ़ेद झूठ बोल रही है कि ये चीनी जहाज़ मालदीव के तटों पर रिसर्च करने यानी जासूसी करने का काम नहीं करेगा। कई एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि चीन के रिसर्च जहाज इस इलाके का सर्वे करके अपने मुल्क की पनडुब्बियों के लिए नेविगेशन के लिए मैप और डेटा इकट्ठा करते हैं, ताकि ऑपरेशन के वक्त उनकी पनडुब्बियां यानी किसी जंग जैसे हालात के वक्त जब उनकी चीन की पनडुब्बियां इस हिंद महासागर के इलाके में आएँ तो उनको सटीक रास्ता पता हो, पूरे नक्शे पता हों। यही नहीं, चीन के जो जहाज सर्वे करने के लिए आते हैं वो जासूसी करने वाले इक्विपमेंट से लैस रहते हैं, और उनकी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की जद में साउथ इंडिया में मौजूद इंडियन नेवी के कई बड़े ठिकाने आ जाते हैं, इसरो के भी सेंटर उसमें आ जाते हैं। पहले चीन अपने जहाज़ों को रुकवाने के लिए भारत के पड़ोसी श्रीलंका के पोर्ट्स खासतौर से हम्बनटोटा का इस्तेमाल करता था, लेकिन काफ़ी डिप्लोमेटिक दबाव के बाद, काफ़ी मशक्क़त के बाद भारत ने श्रीलंका को इस बात के लिए राजी किया कि वो चीन के रिसर्च शिप पर 1 साल की पाबंदी लगा दे, और ये पाबंदी लग गई। यही वजह है कि अब चीन ने मालदीव के तौर पर एक ऐसा नया मोहरा खोज लिया है जहाँ वो अपने जासूसी के जहाज़ों को टिका सके। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे मालदीव गुजरते हुए वक्त के साथ चीन के खेमे में शामिल होता चला गया और भारत के दूर जाता चला गया और चीन के नज़दीक जाता चला गया। चीन ने दरअसल इस सदी के आगाज़ के वक्त, जैसे ही चीन की इकोनॉमिक पावर का आगाज़ हुआ तभी से उसने मालदीव पर डोरे डालना शुरू कर दिया था। साल 2006 में मालदीव के उस वक्त के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम चीन की यात्रा पर भी गए, और चीन ने मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, काफ़ी अहम भूमिका निभाई। साल 2004 में जब हिंद महासागर में सुनामी आई थी तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा मालदीव में भी हुआ था, और जब मालदीव में उस नुकसान के बाद जब नवनिर्माण का दौर शुरू हुआ तो भारत के साथ साथ चीन ने भी उस नवनिर्माण में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। साल 2008 में जब मालदीव में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी का आगाज़ हुआ तो मालदीव के नए प्रेसिडेंट चुने गए मोहम्मद नशीद, जिन्हें भारत का
प्रो इंडिया, भारत का दोस्त माना जाता था, प्रो इंडिया कहा जाता था, लेकिन इसी दौरान भी चीन का जो दखल था मालदीव में वो ज़्यादा कम नहीं हुआ। साल 2011 में चीन ने मालदीव की राजधानी माले में अपना दूतावास खोल दिया। मोहम्मद नशीद को उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का मौका नहीं मिला और 1 साल पहले ही तख्ता पलट करके उनको 2012 में हटा दिया गया। उनकी सरकार का कार्यकाल 2013 में पूरा होना था। मोहम्मद वहीद उसके बाद जो तख्ता पलट किया उसके बाद 1 साल के लिए मालदीव के प्रेसिडेंट बने। साल 2013 में चुनाव हुआ और मोहम्मद गयूम के ही, जो पहले चीन की यात्रा पर गए थे, उन्हीं के एक सौतेले भाई अब्दुल्ला यामीन मालदीव के प्रेसिडेंट बने और अगले 5 साल यानी 2018 तक चीन को मालदीव में वो सब कुछ हासिल होता चला गया या होता नज़र आने लगा जिसकी योजना उसने बनाई थी मालदीव में। चीन मालदीव के व्यापार, उसकी सिक्योरिटी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, जो तमाम ज़रूरी जो मसले हैं या तमाम ज़रूरी जो सेक्टर्स थे, उन सेक्टर्स में चीन का दखल मालदीव में लगातार बढ़ता चला गया और दूसरी तरफ मालदीव चीन के कर्ज में डूबता चला गया। चीन की जो रणनीति है, जिसे सारी दुनिया जानती है, कि वो छोटे मुल्कों को कर्ज देता है और उन्हें अपने इन्फ्लुएंस में लेता है, ऐसा ही उसने दाव मालदीव में भी चला। एक आंकड़ा जो आया था पिछले दिनों, उसके मुताबिक मालदीव पर इस वक्त जितना भी ज़्यादा देशों का या संस्थानों का कर्ज है, उनमें सबसे ज़्यादा चीन का ही कर्ज है। और वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसलिए चेतावनी भी जारी कर चुके हैं, किसी भी छोटे मुल्क पर किसी बड़े देश का इतना कर्ज होना ठीक बात नहीं है। हालांकि 2018 में हालात थोड़े से बदले, क्योंकि 2018 में फिर से चुनाव हुए और भारत समर्थक माने जाने वाले मोहम्मद सोलिह ने चुनाव जीतकर मालदीव में अपनी सत्ता स्थापित की और उनकी सरकार के आने के बाद अगले पाँच साल तक यानी 18 से 2023 तक चीन को मालदीव में अपने पैर ज़्यादा जमाने का मौका नहीं मिला। लेकिन 2023 के चुनाव में चीन के ही मोहरे माने जाने वाले मोहम्मद मोइजू ने चुनाव जीत लिया और इस इलाके का पूरा खेल पलट गया और मालदीव पूरी तरह से चीन के प्रभाव में जाता हुआ नज़र आ रहा है। वही मालदीव भारत का पड़ोसी है और भारत भी अब मालदीव को सबक सिखाने के मूड में आ गया और इसकी बानगी इस बार के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की स्पीच के दौरान नज़र आई, जब भारत ने टूरिज्म के सेक्टर की बात की निर्मला सीतारमण ने और लक्षद्वीप के विकास का ऐलान कर दिया। निश्चित तौर पर भारत सरकार का ये ऐलान मालदीव के लिए और ख़ासतौर से मोहम्मद मोइजू की सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। नमस्कार। We'll be right back.